16 बैंक ऐसे हैं जो बैंक का इस श्रेणी में आते हैं। लगभग 30 साल पहले से ही इन बैंकों की स्थिति बड़ी दयनीय है। बीच में तो स्थिति ये हो गई थी कि इनके लाइसेंस भी लगभग चले गए थे, फिर से वैद्यनाथन के द्वारा पैसा दिया गया, इनको शुरू कराया गया, लेकिन ये केवल लाइसेंस जिंदा करने भर के रह पाए, पेमेंट तो भी नहीं कर रहे थे। हमारी सरकार आई तो हमने पेमेंट के लिए अपना एक रास्ता तय किया और उसमें से तय किया कि 5% प्रति तीसरे माह देंगे। धीरे धीरे अब उन 16 बैंकों की स्थिति ये हो गई है कि उनमें से 8 बैंक तो ऑन डिमांड तुरंत पैसा दे रहे हैं, रेस्ट जो 8 बैंक बचे हैं वो 5% प्रति माह दे रहे हैं। बहुत जल्दी इनमें से 3 बैंक वो 8 वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। 5 जो बचेंगे उनकी स्थिति जरूर धीरे धीरे ठीक करने की ओर हम लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे व्यापार बढ़ रहा है और विश्वास बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने की ओर है। कार्यकर्ता के मन में है राम मंदिर बनना चाहिए, वो चाहे बीजेपी की सभा हो या किसी दूसरे की सभा में अपने मन की उस बात को कहता है, राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें कुछ गलत थोड़े कह रहा है, ना भाजपा का विरोध कर रहा है, राम मंदिर बनने की उसकी इच्छा है। आप हमसे पूछें राम मंदिर बनेगा, हाँ बनेगा, बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए, तो आप हम कह दें तो आप कहें कि शासन में आप क्यों कह रहे हैं, राम मंदिर बननी चाहिए, कार्यकर्ता की इच्छा है, इसलिए जहां मौका पाता वहां कहता है। कोर्ट को बहुत जल्दी करना चाहिए, बहुत चिंतनीय है कि एक बार बहुत सारे उसमें तो रात को जग के करते हो, 70 साल हो गया नहीं कर रहे, तो इसको कोर्ट को जल्दी करना चाहिए। देखिए आप अध्यादेश और कोर्ट के बजाय ये मानकर चलिए जिस दिन राम की इच्छा होगी उस दिन राम मंदिर बन जाएगा, जो रास्ते होंगे उन्हीं में से तलाश लिए जाएंगे। पता चल जाएगी राम की इच्छा, ना पता चले तो है नहीं, आपके मन पर आके राम जी कह देंगे रात को कि सवेरे बनने जा रहा है। मन में राम बसा होता है और वो बताता है क्या, राम तो कहीं रहे, तो जनता कह रही है ना बनने मंदिर, और पूरा नहीं हो रहा ना, अभी कहीं अधूरा है, वो पूरा हो जाएगा जिस दिन वो आदेश आ जाएगा, उस दिन फिर कोई रोकेगा नहीं।